नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 26 मार्च की सुबह 11 बजे से ज्या दोस्तों यश मिश्री आपको 7 बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। ज्या दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में शुक्रवार का दिन होगा और यश में दोस्तों यह दिन माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती की देन है, यानी इन सभी को यह दिन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और इन सभी की कृपा की वजह से आपके जीवनकाल पर यश में आपको 7 बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवनकाल पर यश में आपको बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे, घर के माहौल में भी यश में आपको वृद्धि देखने को मिलेंगी, आर्थिक तंगियां यश में आपकी खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माँ सरस्वती की कृपा से यश में आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार के साथ अपने कार्यों में आप यश में आगे बढ़ेंगे। माँ भवानी की कृपा से आपके दुश्मन आपसे पराजित होंगे और यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको प्रत्येक क्षेत्र में धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है। यूँ कहें तो दोस्तों आपकी धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं यश में खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बता दें कि यश में समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि यश में आपको किन चित्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और माँ भवानी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीवनकाल पर में क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं, आपके घर के माहौल और पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगी, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें। आपको बता दें कि इससे बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे, घर में सुधार और नवीकरण की योजनाएँ बनेगी, बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, क्योंकि यह समय जो है अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी संबंधित कोई भी लोन अपनी क्षमता से अधिक ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मामा पक्ष के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए संभव हो सकता है। योग थेरेपिस्ट की मदद से भावनात्मक जो है उलझन कम होगी। आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला सहयोग आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ाने वाले हैं। पैसे से संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। यश में अपनी जरूरत से अधिक खर्चा करने से आप बचें, ये आपके लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्य में भी कुछ अपना समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी, मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस करेंगे। यशमय कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आने वाली है, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास द्वारा उन्हें स्वीकार भी करेंगे और सफलता भी इनमें हासिल करेंगे। बशर्ते दोस्तों हर कार्य में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। युवा वर्ग किसी बात में आकर कोई गलत काम न करें या फिर गलत मार्ग न अपनाएं। दोस्तों यह समय आपके लिए आपके पास योजनाएं तो बहुत आएंगी या फिर बहुत योजनाएं होंगी, इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। विरोधियों की गतिविधियों को भी यश में नजरअंदाज ना करें, ये भी आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय आपकी भूमिका परिवार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो समय है आपके लिए आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण कठिन कामों को भी आसानी से आप कर पाएंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा सौम्य बर्ताव रखने की आपको आवश्यकता होगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को
और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ग्रह स्थितियां यशमी आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। दोस्तों, घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संबंधी कार्य भी हो सकते हैं तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। इनसे दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ने वाले हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय चल रहे उचित समय का भरपूर सदुपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों, यह समय बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें और इन अपने महत्वपूर्ण कामों में ध्यान को केंद्रित रखें। आपको बता दें कि अपने किसी नजदीकी संबंधों की सलाह गलत भी साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि स्वयं ही अपने कार्यों को संपन्न करने का आप प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप पर बने हुए कर्ज को मिटाने की आपकी कोशिश प्रगति को और बढ़ रही है। फिर भी दोस्तों, खर्चों पर नियंत्रण लाने की आपको आवश्यकता होगी। घर से संबंधित नए खर्चे अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी दोस्तों, पैसा खर्च करते समय आप अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर मौज मस्ती करने के लिए, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ने तथा उसमें अपना सहयोग देने में यह समय अधिकतर समय व्यतीत होगा। अगर घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय होगा। युवाओं को अपनी मेहनत का शुभ परिणाम भी इसमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें कि आपके अहम की वजह से आपके कुछ बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने का प्रयास करें। इनसे दोस्तों, आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय फिलहाल आपके काम आसानी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी यश में बनी हुई है। फिर भी दोस्तों, आप परिस्थिति का पूरा फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे। खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की यश में आपको आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों व्यापार संबंधी गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। प्रभावशाली नए संपर्क भी बनेंगे। यश में मार्केटिंग तथा इनसे संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों, यश में ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में व्यवसायिक स्थल पर फायदे की स्थितियाँ बन रही है। फायदे की अपेक्षा मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि दोस्तों, कोई खास सफलता आपको इसमें आपको नहीं मिलेगी, परंतु आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी और भविष्य में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। आय और व्यय का समन्वय यशमी बना रहेगा। नौकरी की तरक्की संबंधी कोई शुभ सूचना यशमी आपको मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, अगर व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत की है तो दोस्तों, जल्दी ही फायदे के मौके भी मिल सकते हैं। कोई व्यवसाय की यात्रा भी इसमें संभव हो सकता है। किसी के साथ भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होगा, तो इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी काम अच्छे तरीके से पूरे होते जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी गलत सलाह आपके बिजनेस में परेशानी का कारण बन सकती है या फिर परेशानी को खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, यश में बेहतर होगा कि अपने फैसले को प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार की राजनीति में आप फंस सकते हैं, तो सतर्क रहें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों, यश में प्रेम संबंधों में नैतिकियाँ भी बनी रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, यश में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी और परिवार सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे दोस्तों घर की व्यवस्था भी उत्तम बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार भी रह सकती है, परंतु ये जो समय है आपके लिए क्षणिक ही रहेगी, माहौल में फिर से सुधार भी आएगा, तो दोस्तों चिंता ना करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा घर तथा व्यवसाय संबंधी सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न भी करेंगे तथा परिवारजनों के साथ डिनर तथा घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें,
तो दोस्तों यशमी वंशानुगत बीमारी संबंधी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यशमी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमी बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी अत्यधिक कार्यभार की वजह से भी थकान, सिरदर्द और इनसे जुड़ी परेशानियां रह सकती है। डायबिटीज व्यक्ति भी अपने खानपान पर पूरा परहेज रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, ये आपको बता दें। नजला जुकाम की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों यशमी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपना उचित इलाज लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें।